जोहार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, आज है 24 दिसंबर 2023 और आज JSSC री एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा था उन स्टूडेंट्स का जिनके सेंटर से क्वेश्चन लीक होने की खबर आई थी, जब पहली बार झारखंड म्युनिसिपल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो रहा था, जिसमें नागपुरी का भी एक पेपर हुआ। और नागपुरी के पेपर में स्टूडेंट्स का कहना है कि 10 से 12 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, तो कुछ स्टूडेंट का कहना है 14 से 16 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो मेरा इसमें क्या तर्क है ये तो मैं बताऊंगा ही, और सबसे पहली बात आप लोगों को ये चीज़ ध्यान से समझना पड़ेगा, नागपुरी में क्या लोचा है, ठीक है? और इस लोचा का जो भुक्तभोगी है वो हम सब जैसे स्टूडेंट्स ही हैं जो नागपुरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है? JPSC में भी यही हाल है, JSSC में भी अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात है, JPSC का तो इससे ख़राब कंडीशन है, तो नागपुरी में JPSC का क्या कंडीशन है वो तो मैं बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में, लेकिन आज बात करते हैं JSSC की। JSSC में देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग भी JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात कि आप लोग जो भी सिलेबस में लिखा गया है बस उतना के भरोसे बैठे ना रहें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि सिर्फ सिलेबस से क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, तो पूछा कहाँ जा रहा है? देखिए, मैक्सिमम तो क्वेश्चन आप लोगों को वहीं से मिलेगा जिनका रचना सिलेबस में पढ़ने को लिखा गया है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये रचना सिर्फ नहीं मिलेगा जो सिर्फ लिखा गया है, उनके यदि कोई और रचना लिखे गए हैं कहाँ पे, तो एक किताब है VP केसरी जी का, पुस्तक का नाम है नागपुरी कवि एवं उनके काव्य। ये बुक में जो भी कवि मेंशन है और उनका नाम अगर सिलेबस में भी मेंशन है, उनकी सारी रचनाएं आपको पढ़ के जानी है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि इतना पढ़ना पड़ेगा? हाँ, तो भाई नागपुरी लिए हो तो नागपुरी के साथ ये लोचा है, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि ऐसे ही आउट ऑफ सिलेबस JSSC CGL में भी फील होगा और अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और दूसरे लैंग्वेज वाले खोरठा संथाली हो, ये तो मार के आ जाएंगे 99, ठीक है, या 95 से, अब फिर नागपुरी वालों का सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखे और गांठ बांध ले, जो भी स्टूडेंट JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं और उनका पेपर नागपुरी है, वो लोग प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखे कि जो भी रचनाकार का नाम आपका सिलेबस में मेंशन है, कवि का नाम मेंशन है, उनके सारी रचनाएं जो भी नागपुरी कवि एवं उनके काव्य में लिखा हुआ है, सारी रचना पढ़कर जाएं अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से ना भी पढ़े तो कम से कम आइडिया जरूर होना चाहिए उनको कि क्या क्या रचना इनका लिखा गया है उस किताब में, VP केसरी जी का नागपुरी कवि एवं उनके काव्य। डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठा उठा के भर दिया जा रहा है, ठीक है? और नागपुरी में ऐसा एक बार नहीं हुआ है, अब कई बार हो रहा है और पहले भी होता था और फिर से हो रहा है। JPSC का कंडीशन इससे कहीं ज़्यादा बुरा है और उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में JSSC CGL के रिगार्डिंग मुझे आप लोगों को कहना था कि ऐसा आप फील बिल्कुल ना करें, ठीक है, कि जो लिखा हुआ है बस उसी से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, उन टीचर्स को जो पहली बार नागपुरी पढ़ाने का संकल्प लेके मैदान में उतरे हैं, उनको कि यदि आप नागपुरी नहीं बोलते और सिर्फ YouTube में वीडियो बनाने के लिए नागपुरी पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ ना पढ़ाएं, इससे स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होता है। क्योंकि नागपुरी हो या फिर कोई दूसरा रीजनल लैंग्वेज हो, ठीक है, नागपुरी हो या कोई दूसरा रीजनल लैंग्वेज हो, साहित्य की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे यदि वो रीजनल लैंग्वेज है तो। लेकिन यहाँ पे YouTube है, स्वतंत्रता है, जिसको मर्जी वो पढ़ाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बुरा लगता है जब स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पाता है और फिर बाद में वो सब टीचर जो है वो चले जाते हैं और स्टूडेंट का करियर ख़राब होता है। तो मुझे बस इतना ही कहना था कि आप लोग नागपुरी में जितने भी रचनाकार हैं उनके सभी रचना जरूर पढ़कर जाएं, चाहे आप उसके लिए कितना भी मेहनत करें, लेकिन आपको ये करके जाना ही होगा एनी हाउ। साथ ही साथ व्याकरण अच्छे तरीके से करें और प्रैक्टिस अच्छे से करें, MCQ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करें वैसे MCQ लगाएं जो मार्केट में इरर फ्री हो। इरर फ्री तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि आजकल सेट तो ऐसे लोग भी निकाल देते हैं जिन्होंने कभी कोई PT भी पास नहीं किया होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसमें कम से कम इरर हो ना, वैसे बुक परचेज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और नागपुरी में थोड़ा टीचर्स का ईगो वाला कंडीशन लागू है, ठीक है, जिन लोगों को पता होगा उनको तो पता ही होगा, नागपुरी में थोड़ा टीचर्स का, जो यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर्स हैं ना, उनका भी ईगो लागू है, ठीक है? तो इसलिए ऐसा कंडीशन नागपुरी में देखने को मिलता है, चाहे वो JSSC हो चाहे JPSC हो। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही,
बाकी और जैसे सीजल का नागपुरी का आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, कोई भी कसर ना छोड़े आप लोग। और कोई अगर खास क्वेश्चन अगर आप लोगों को लगता है पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद।